Hello students, welcome back to our online class. Today we will learn here class 7 maths, chapter number 11, parameter and area. Okay students, इसमें हमारे पास है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3. इसमें पूछा गया आपको द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 100 सेंटीमीटर पैरामीटर गिवन है, 100 सेंटीमीटर किसी रेक्टेंगुलर शीट का है. इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, और उस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी 35 सेंटीमीटर है, फाइंड इट्स ब्रेथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया. तो हमें एरिया भी निकालना है और ब्रेथ भी निकालना है. अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं सॉल्यूशन में, हमारे पास इस प्रकार से रेक्टेंगल गिवन है हमारे पास, जिसकी लेंथ हमें मालूम है. लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ है 35 सेंटीमीटर, और इसका पैरामीटर कितना है, पैरामीटर है 100 सेंटीमीटर. ये दो चीज हमें गिवन है, तो हमें इसकी ब्रेथ भी निकालनी है, इसका एरिया भी निकालना है रेक्टेंगुलर. तो क्वेश्चन इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हमें गिवन है यहां पर देखोगे आप पैरामीटर. तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये गिवन है स्टूडेंट. तो आप क्या करेंगे, हमें पैरामीटर गिवन है 100, हमें पैरामीटर का फॉर्मूला भी मालूम है, हमें रेक्टेंगल का इसका पैरामीटर का फॉर्मूला भी मालूम है. क्या होता है पैरामीटर का फॉर्मूला आपका, 2 × L + B, यानी ये पैरामीटर का फॉर्मूला है. इस ये गिवन है हमारे पास कितना 100, इसका मतलब हम क्या समझे, हमें क्या गिवन है, 2L + B इज इक्वल टू ये गिवन है 100 सेंटीमीटर के ऊपर. और इसमें हमें एल भी मालूम है, यहां देखोगा लेंथ भी हमें मालूम है, 2 लेंथ कितनी है 35 + B इज इक्वल टू 100. ओके स्टूडेंट, अब आप इसमें क्या निकालोगे, ब्रैकेट निकालोगे. कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये ब्रैकेट का मीनिंग मल्टीप्लाई, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाइड है, 2 को आपने क्या करना है, रिमूव करना है, यानी राइट साइड में ले जाना है. तो 2 कहां चले जाएगा, 100 के डिवाइड में. 35 + B इज इक्वल टू 100/2, इसको सॉल्व करोगे आप, 35 + B 2 से 100 को डिवाइड किया, 50, कितना आया स्टूडेंट, ये 50 आया. अब आपको क्या निकालना है, ब्रेथ निकालनी है. फिर से आपने लेंथ जो 35 है इसको यहां से रिमूव करके राइट साइड में ले जाना है, ये पॉजिटिव साइन है, राइट साइड में जाके ये साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. बी इज इक्वल टू 50 - 35, और ये आ जाएगा आपका 50, 10 - 5 = 5, 3 + 1 = 4, यानी 50 सेंटीमीटर. तो हमारी जो इसकी लेंथ आई हमारी कितनी आई, 15 सेंटीमीटर. अब आपको इसका एरिया भी निकालना है, सेकेंड जो पार्ट है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है आपका L × B, लेंथ इंटू बी, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ इंटू बी. तो आप इसमें वैल्यू रख दो कि लेंथ हमें गिवन है 35 और ब्रेथ हम निकाल चुके हैं 50 सेंटीमीटर, और 15 का इससे मल्टीप्लाई करोगे, 15 × 5 = 75, कैरी 7, 15 × 3 = 45 + 7 = 55. ठीक है स्टूडेंट, सॉरी इसको फिर से कर लो, 15 × 5 = 75, कैरी 7, 15 × 3 = 45 + 5 = 52 हो जाएगा, सॉरी यानी 52 हो जाएगा, 55 नहीं होगा स्टूडेंट, 52 होगा. ये आ जाएगा आपका 525, और यूनिट है सेंटीमीटर, एरिया है स्क्वायर में यूज करोगे आप, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा. ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने
इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपने करने हैं, और कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट आपका, ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर, इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, ऑल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर एरिया। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक वायर है और इसको इसका हमने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ, एक वायर है रेक्टेंगुलर शेप की है वायर है, इस तरह की हमारे पास एक वायर है, इसको बेंड करा गया रेक्टेंगुलर शेप में अगर, और इसकी लेंथ और ब्रेड दे रखी है। लेंथ कितनी है स्टूडेंट दे रखी है इसमें, लेंथ है 40 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 22 सेंटीमीटर, यानी इसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर और इसकी जो ब्रेड्थ है 22 सेंटीमीटर। ये गिवन है स्टूडेंट कि एक हमारे पास वायर है जो रेक्टेंगुलर शेप में है और इसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है, और ये कह रहा है कि अगर हम इसे रीबेंड करें यानी इसको ओपन करके वायर को पूरा सीधा करके उसको दोबारा से रीबेंड करें, और उसको रीबेंड करने के बाद हम इसको क्या बना दें, इसका हम क्या बना दें, एक स्क्वायर बना दें, इस तरीके से हम इसे रीबेंड करके अगर स्क्वायर शेप बना दें इस वायर को, तो हमें इसकी साइड बतानी है और ये भी बताना है हमें कि कौन सा फिगर ज़्यादा एरिया कवर करेगा, यानी कौन सा किसका एरिया ज़्यादा होगा, रेक्टेंगुलर का एरिया ज़्यादा होगा या स्क्वायर का एरिया ज़्यादा होगा, तो इसके लिए हमें दोनों का एरिया भी निकालना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ मैंने क्या बताया आपको कि हमारे पास एक वायर है, लेंथ ब्रेड्थ हमें गिवन है और ये वायर है। अगर मैं वायर का जो रेक्टेंगुलर शेप है इसको यहाँ से खोल के इसको पूरा एक स्ट्रेट कर दूं, तो जितना इसका पैरामीटर होगा यानी रेक्टेंगल का पैरामीटर होगा उतनी ही वायर की लेंथ होगी। हम यूं समझे स्टूडेंट, अगर मैं इसको ओपन करके वायर की लेंथ कितनी होगी, जितना इसका पैरामीटर होगा, और उसी वायर को फिर हमने रीबेंड करा है, हमने कोई दूसरी वायर नहीं ली है, हमने इसको रीबेंड करा है और इसका स्क्वायर शेप बनाया है। इट मीन्स हमारे समझ में ये आया स्टूडेंट, जो वायर तो नहीं बदली, जो वायर से हमने एक रेक्टेंगल बनाया, वायर से एक हमारे पास क्या है स्क्वायर है, तो इसका पैरामीटर तो सेम रहेगा, वायर तो वही है, सो दैट इसका पैरामीटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस नॉलेज का यूज करके हम क्या निकालेंगे, इसकी साइड निकालेंगे। तो मुझे क्या पता लगा इस तरीके से कि जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर वायर, ये रेक्टेंगल लिख दो आप चाहे इतना लंबा, ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट, रेक्टेंगल लिख रहा हूँ सीधा रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट, तो इसका जो पैरामीटर होगा रेक्टेंगल का और स्क्वायर का जो पैरामीटर होगा सेम होना चाहिए। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं, 4 × साइड इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2l + b, 4 साइड इज इक्वल टू 2l, गिवन है हमें 40, यहाँ लिख सकते हैं आप इसकी लेंथ कितनी 40 सेंटीमीटर और बी गिवन है हमें इसकी 22 सेंटीमीटर, तो ये एल कितनी है 40 है आपकी और बी कितना है 22 सेंटीमीटर है इस तरीके से, और ये 4 जो था स्टूडेंट इनटू में है, यहाँ से अगर मैं इसको रिमूव करूँगा हटा देता हूँ और राइट साइड में ले जाता हूँ स्क्वायर इक्वल टू के, तो ये आ जाएगा इसके डिवाइड में इस तरीके से। तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, ये कैंसिल हो सकता है, 2 × 2 = 4,
और ये आ जाएगा हमारा 40 + 22 हो जाएगा 50 60 62 बाय 2। 2 से इसको डिवाइड किया, 2 3 6 और 2 1 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाल दी स्टूडेंट, साइड निकाल दी किसकी, स्क्वायर की साइड। स्क्वायर की साइड कितनी निकली हमारी इसको सॉल्व करने के बाद, 31 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका भी हम एरिया निकाल सकते हैं, इसका भी हम एरिया निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं स्टूडेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, फॉर्मूला साइड इनटू साइड, यानी साइड कितनी निकली हमारी 31 इंटू 31। तो ये आप मल्टीप्लाई कर लोगे, मैं कर यहीं पे कर लेता हूँ, 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 3 9 169, यानी ये आ जाएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट इसको सॉल्व कर दिया है, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर आया आपका। किसका एरिया निकला ये, ये हमारा स्क्वायर का एरिया निकला। अब मैं निकाल लेता हूँ रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, यहां पे मैंने रेक्टेंगल की स्पेलिंग गलती की स्टूडेंट, इसको ठीक कर लेना। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से, और ये आ जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, लेंथ कितनी है आपकी गिवन है 40 और ब्रेथ है 22, 40 × 22। इसका भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का कर लेता हूँ, 24 जा होता है 88, 24 × 4 = 88 और एक जीरो है, आप ये लगा लोगे, इस तरीके से आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकला स्टूडेंट आपका, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जो वायर थी रेक्टेंगल शेप में, उसका हमारा क्या एरिया निकला, वो कितना एरिया इनक्लोज करेगी, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, विच वन ग्रेटर, आप देख रहे होंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर देन टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लिख दोगे आप इतना, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन में इतनी चीज़ें पूछी थी। ओके स्टूडेंट।